रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेल यूनियन पूरी तरह से उतरने वाली है, जिसके लिए अधिवेशन में प्रमुखता से भूमिका वो रखने वाली है। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री वेनुपी नायर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हाल ही में उनकी पत्र परिषद हुई है। सीधे रुख करते हैं कि आखिर मुद्दे क्या रहने वाले, सर क्या मुद्दे रहने वाले निजीकरण के विरोध में? मुद्दा देखो, अभी आपको पता सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अभी आपने देखा होगा तेजस गाड़ी। हम लोग पहले ये सुना हुआ करता था कि आप लोग भी सुना हुआ करते थे कि प्राइवेटाइज हो रहा है, छोटा मोटा चीज़ तो यहाँ वहाँ हो भी रहा था, तो ना आपको समझ में आ रहा था, ना हमको समझ में आ रहा था, ना देशवासियों को समझ में आ रहा था। आज फ्रंट के रूप में जो चलने वाली गाड़ी देने की बात हो रही है, तो आपने गाड़ी तो चल भी गया, पिछले 4 तारीख को तेजस गाड़ी चलवाने के काम भी कर दिए हैं। उसके बाद में 20 दिन के बाद में आप देखें तो पेपर में स्टेटमेंट भी आ गया, 70 लाख रुपये हमने कमा लिए, हमको मुनाफा मिल लिया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि वो तेजस गाड़ी क्यों चला है, उसके अंदर मुनाफा कैसा मिल रहा है? एक तरफ हमारे भारत रेल की जो गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर 1 रुपया फेयर बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं, जबकि इतनी कम रेट में प्रति किलोमीटर 20 पैसे से कम पैसे से टिकट मिलने वाला दुनिया में कहीं कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है। इतनी सुरक्षा के साथ में चलने वाली कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस दुनिया में नहीं। उसको 1 पैसा भी न बढ़ाते हुए किसी प्राइवेट पार्टी को मुनाफा करने के लिए कोई तेजस गाड़ी ला के 4 गुना भाव बढ़ा के आप 20 दिन में बोलेगा कि 70 लाख रुपया कमाए, जबकि आपके 40% अभी भी आपका वैकेंट चल रहा गाड़ी। आपने भाव इतना बढ़ाया तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही, लेकिन सवाल है किसके लिए? मैं आपको कह रहा हूँ, वही तेजस गाड़ी 511 किलोमीटर 500 से अधिक किलोमीटर लखनऊ से लेकर दिल्ली चलने के लिए 6.5 घंटा लगता है। उसको 2 हॉल्ट है, गाजियाबाद है, कानपुर है, 5 मिनट, 2 मिनट आपका गाजियाबाद में है। लेकिन उधर ही चलने वाला हमारा जनशताब्दी भारतीय रेल की गाड़ी है, वो तो 6 घंटा 35 मिनट में पहुंच रहा है और 5 हॉल्ट है, तो इसमें से गाड़ी कौन सा अच्छा, उसमें कम रेट है, लेकिन इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। दूसरा मैं कहता हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आपको भी कंसेशन है भारतीय रेल की गाड़ियों में, लेकिन जो तेजस गाड़ी है उसमें किसी को कंसेशन नहीं है। भारतीय रेल की गाड़ियों को करीब 120 से अधिक प्रकार की कंसेशंस है। कोई हैंडीकेप होगा, कोई बीमार होगा, सीनियर सिटीजन होगा, स्पोर्ट्स होगा, अलग अलग प्रकार के 120 प्रकार की कंसेशन है। तेजस में कोई भी प्रकार की कंसेशन नहीं, गाड़ी हम चला रहा है, ड्राइवर हमारा, गार्ड हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा, पॉइंट्समैन हमारा, S&D, मैकेनिकल, सफाई करने वाले, कॉमर्शियल, सब हमारे, और कमाएंगे वो, पटरी भी हमारी, मरम्मत भी हम करेंगे, हमको समझ में आ रहा। साथ में एग्रीमेंट में ये लिखा है भाई, 1 घंटे से ज़्यादा लेट हुआ तो फिर पैसेंजर हम 250 रुपया सरकार देंगे, कमाएंगे हो, नुकसान हुआ तो सरकार देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत के अंदर कोहरे के समय में जो गाड़ियाँ चलती हैं, वो हमारा सबसे अच्छी गाड़ी जो राजधानी गाड़ी है, शताब्दी गाड़ी है, ये भी दिल्ली मुंबई चलने वाले गाड़ी भी 2 घंटे से ज़्यादा लेट चलती हैं कोहरे के कारण, तो कोहरे के कारण इस गाड़ी भी लेट जाएगी, तो कोहरे के समय में लोगों को पैसे देगा तो फ्री में लेके जाएगा, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है, लूटने वाला धंधा है, ये हम होने नहीं देगा। भारत रेल को जिंदा रखना है और भारत गरीब लोगों को यात्रा करना है तो इस चीज़ की विरोध करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने फैसला लिया है, ये 150 गाड़ी देने की जो बात हो रहा है, ये हम होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में रुकवाएंगे। हमारा जो अधिवेशन है उसके अंदर हमारा मुख्य मुद्दे के रूप में ये भी है, और उसके अलावा भी कुछ वर्कशॉप बंद करना, प्रिंटिंग प्रेस बंद करना, परेल कारखाना बंद करना, माटंगा का कॉलोनी को किसी को देना, ये सब किसी चीज़ को हम देने देंगे नहीं। अगर देना उसके कारण दुनिया को बताना पड़ेगा। आप लोगों के जरिए हमारा कहना है कि हमारा जो यात्री हैं उनको भी थोड़ा समझाइए, प्राइवेटाइजेशन से कोई भला नहीं होने वाला है, न देश का भला होने वाला है, न रेल का भला होने वाला है, न यात्री का भला होने वाला है। उन तक आप इस मैसेज को पहुंचाइएगा किस तरीके से सरकार की नीति है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हमारा नारा सर्वधर्म समभाव है। हम जो नीति है, सरकार की नीति अगर हमारे विरुद्ध में है, सरकार की नीति अगर गरीब के विरुद्ध में है, सरकार की नीति अगर यात्री के विरुद्ध में है, उसको लड़ने की ताकत हमको है, वो संविधान ने हमको दिए हैं, बिल्कुल हम लड़ेंगे, हमारा फैसला है, ये हमारा होने वाला अधिवेशन के अंदर इसको बाकायदा हम सहमति बनाएंगे। निजीकरण के अगर उदाहरण देखे जाए तो BSNL सबसे बड़ा उदाहरण है कि BSNL का जब निजीकरण VSNL से BSNL जब किया गया, तब से वो लॉस में चला गया, कहीं इनके बढ़ावा नहीं दिया गया। फिर प्राइवेट कंपनी जैसे Jio है या फिर अंबानी ग्रुप के जो कंपनी है, वो कहीं कहीं इस देश में बढ़ गई। ऐसे जब कुछ कुछ कर्मचारियों से जब उनकी जब बातें होती है तो ऐसा प्रतीत होता है, और आज BSNL की जो हालत है वो जग जाहिर है कि उनके कर्मचारियों को जबरन VRS दिया जा रहा है। क्या उसी तरह की नीति पर रेलवे को लेकर जाने की कोशिश है? आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करके उस तरह के हाल हो जाए? उस तरीके का जो BSNL में किया वो गलत हुआ बिल्कुल। उस समय में जिस तरीके से विरोध यूनियन के लोग करना चाहिए था, देश भर में आंदोलन करना चाहता किया नहीं, वो बात अलग, लेकिन उस तरीके की चीज इतनी आसानी से रेल के अंदर कर नहीं सकता है, क्योंकि रेल की सिस्टम ऐसे है, बाजार से किसी को ला के आप काम नहीं करा सकता है। अभी
भी ड्राइवर है तो ड्राइवर ही काम कर सकता है, उसकी अपनी एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी ट्रेनिंग है, जैसी हमारी स्टेशन मास्टर बाहर से किसी को ला के बिठा नहीं सकता है। तो रेलवे की अपनी एक स्पेशलिटी है। तो एक दिन सरकार सोचेगा मैं प्राइवेटाइज करता हूँ, नहीं होने वाला है, छोटे छोटे पीसेसों में करके आने वाले दिनों में इसको ख़त्म किया जा सकता है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेगा, जितने भी आप यूके को देखो, वहाँ प्राइवेटाइजेशन करने के बाद उनकी हालत क्या हुआ। हाँ, यूके के अंदर उसी प्राइवेटाइज की रेलवे को नेशनलाइज करने में कोशिश कर रहा है। एक ज़माने में हमारा जो आज़ादी के बाद तो हमारा रेलवे भी प्राइवेटाइज थे, उसके बाद में हमारा नेशनलाइज करने के काम किए। ये सब कुछ पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाने वाला चक्कर में है, ये हम होने नहीं देंगे। हम आपसे ये कहता हूँ, हमारा यात्री को जब तक पता नहीं चलेगा रेल का सुविधा क्या है, रेल रहने से फ़ायदा क्या है, इस रेल होने से हमको नागपुर से मुंबई जाने के लिए इतनी कम पैसे से टिकट मिलता है, अगर जिस दिन इसी गाड़ी हमारा विदर्भा गाड़ी अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा, हमको यहाँ से वहाँ जाने के लिए 10 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, जब तक उनको पता नहीं चलेगा तब तक उनको कोई एक लोगों में एक सोच है, अवेयरनेस नहीं है। रेल के कर्मचारी बोले तो काम नहीं करता, अरे रेलवे कर्मचारी काम नहीं करे तो गाड़ी कहाँ से चलेगा। आज रेल के कर्मचारी को इतनी लोड है, अभी आपने देखा होगा हैदराबाद में जो एक्सीडेंट हुआ, हमारा गाड़ी चलाने वाला मरा नहीं है क्या, उनको एक्सीडेंट नहीं हुआ। कोई आदमी चाह के कोई दुर्घटना करेगा क्या, नहीं करेगा। सिस्टम में कहीं फेलियर है, किसी की किए हुए गलती में सजा वो भुगत रहा है, तो उनके तरफ उस नज़रिए से भी हमारा जो यात्री है, हमारा जो जनता है, देखने की ज़रूरत है। अभी यूनियन के जो आंदोलन होगा, सबसे ज़्यादा उसको अगर कोई साथ देना है तो जनता को देना पड़ेगा, यात्रियों को देना पड़ेगा, तब यात्री और हम बचेंगे, रेल बचेंगे, हम यात्रा कर पाएंगे। इसी पर मेरा अंतिम सवाल है, जनता और रेल के जो कर्मचारी है, किस तरह से जुड़ेंगे आप अपने आंदोलन और यूनियन? नहीं, हमारा कहना है कि देखो, हम जो बात कर रहे हैं, जैसे तेजस की फेयर की बात कर रहा है, हम ये जो फेयर की बात है, इसकी डिफरेंस है, इसकी फ़ायदा नुकसान है, हम यात्रियों तक पहुंचाना चाहता है। जब यात्रियों को पता चलेगा तो यात्री को समझ में आएगा कि यार ये प्राइवेटाइज होने से फिर मुझे नागपुर से मुंबई जाना मुश्किल होगा, मुझे नागपुर से रायपुर जाना मुश्किल होगा, तब वो हमारा आंदोलन होगा तो हमको समर्थन करेगा, हमारा विरोध नहीं करेगा। हम उसके कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारा तंगा बढ़ाने के लिए नहीं, हमारा नौकरी है, हमारा कोई सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं, हम जो सिस्टम चल रहा है उसको जिंदा रखने के लिए, आपको मिलने वाले सुविधाओं को भी जिंदा रखने के लिए हमारी लड़ाई है। ये उन तक पहुंचेगा तो हमारे साथ बिल्कुल जरूर होगा। मतलब सड़क पर उतरने के लिए रेल यूनियन पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से तैयार है, 100% तैयार है, 100%, सिर्फ समय की इंतजार कर रहा है, 100% तैयार है और करके दिखाएंगे सर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नायर साहब जो हमसे रूबरू हो रहे थे, जो निजीकरण के विरोध में सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार है, ऐसा उन्होंने विदर मेल से कहा। तो कैमरा पर्सन अनुरुद्ध कापटकर के साथ मुकेश राव, विदर मेल, नागपुर।